नहीं नहीं एक एक काफी है। जज़ाकअल्लाह सलामत रहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व शफीना अबिल कासिम मुहम्मद, वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन, अम्मा बाद। वक़द क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिही अलमुबीन वहुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन वक़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावात। हज़रात, सबसे पहले जश्न विलायत, जश्न ईद गदीर और जश्न मुबाहला के सिलसिले में आप हजरात की खिदमत में मुबारकबाद को पेश करता हूँ। और इससे पहले कि मैं अपने मारूजात को सवाबन और तवरुकन इख्तिसार के साथ आप हजरात की खिदमत में बयान करने की सआदत को हासिल करूँ, सबसे पहले हमारे मोहतरम और अजीज़ शवाहत भाई, उनके पेसारान, उनकी फैमिली, इदारे जाफरिया, यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ के नौजवानों का, बुज़ुर्गों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस मौके पर मुझ जैसे अदना खतीब को इस काबिल समझा कि मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज को वसीला बनाकर बारगाह आले मोहम्मद में खराज अकीदत को पेश कर सकूँ। बस दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि जितनी देर में आपसे मुखातिब रहूँ बस हूँ और हाँ करते रहिएगा। आपको पता है सिर्फ हूँ और हाँ, ताकि मुझे एहसास रहे कि आप जाकर मेरे बयान को समाअत फरमा रहे हैं। बरादर अजीज मेरे सज्जाद मीर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए बस यहीं से आगाज है। अभी आप मंजिल नज्म से गुजर रहे थे, जश्न है, अब अदब को देखिए, तहजीब को देखिए, रिवायत देखिए, सकाफत देखिए, तरीका देखिए, अकीदा देखिए, मंजिल नज़्म से गुजर रहे थे। और मैं उन्हीं चीज़ों को नसर की सूरत में बयान करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, मगर आज विलायत को पढ़ना है। और इसका राज यह है कि मुसलसल मैं सफ़र में था, मगर कुछ ऐसी जगह से भी गुजरा जहाँ सफ़र ही हो रहा था। अब सुनिए आप, तो एक जगह जश्न विलायत में मुझ पर एतराज़ हुआ कि आप यहाँ पर भी कब्र को नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहाँ भी सिरात को नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर भी मुनकिर नकीर को नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा किस लिए सुनना चाहते हो, कहा कि किबला कब्र में सांप आएगा। हमने कहा हमारी कब्र में सांप नहीं आएगा, हमारी कब्र में इमाम आएगा। हमारी कब्र में सांप नहीं आएगा, हमारी कब्र में इमाम आएगा। कहने लगे कि रिवायत में तो लिखा है कि सांप आएगा। हमने कहा बिल्कुल आएगा, जिसके पास पहले दिन आया था। उसी के पास आएगा। तो ये जश्न विलायत थे और महफिल अपने शबाब पर है और मंजिल नज़्म से गुजर रहे थे, और मैं बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को नज़्र की सूरत में आपके सामने बयान करूंगा।
मगर मामला यह है कि नाज़म पहले और नसर बाद में। मेरे साथ हैं आप, आ जाइए अदबियात में जाइए, जो साहिबान अदब है, साहिबान बयान है, साहिबान ज़ौक है, वो कहते हैं कि जो कशिश, जो चाशनी, जो लज्जत, जो अट्रैक्शन अल्लाह ने नज़्म में रखा है, वो कैफियत, वो चाशनी, वो लज्जत, वो अट्रैक्शन वो नसर में नहीं पाया जाता। साहिबान बयान, साहिबान कलाम, अहले अदब, साहिबान ज़ौक यही कहते हैं। अच्छा, इसका एक राज भी है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि बताइए नज़्म किसे कहते हैं और नसर किसे कहते हैं, तो देखिए बिखरे हुए मोतियों को एक हार में पैवस्त कर देना, इसका नाम नज़्म है। भाई कहाँ है आप, अभी जश्न को सुनिएगा मगर अदब के आईने में। बिखरे हुए मोतियों को एक हार में पैवस्त कर देना, इसका नाम नज़्म है, और उन्हीं मोतियों को तोड़ के फर्श पर बखेर देना। इसका नाम नज़्र है। तो जाहिर सी बात है कि जो मोती पैवस्त होंगे वो ज्यादा खूबसूरत होंगे, या जो मोती बिखरे हुए होंगे वो ज्यादा खूबसूरत होंगे। कहा है कि जो पैवस्त होंगे एक हार में वो ज्यादा खूबसूरत और हसीन होंगे, और जो बिखरे हुए होंगे उनमें वो आहंग नहीं होगा, वो इतने मुनज्जम नहीं होंगे, उसमें वो तरतीब नहीं होगी। मगर क्या करें, अल्लाह ने ये मकाम, ये मर्तबा सिर्फ अली के फजाइल को अता किया है। ये मकाम भाई अहले अदब मेरे साथ हैं, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ हैं, अल्लाह ने ये मर्तबा, ये मकाम, ये अजमत, ये चाशनी, ये शीरनी, ये लज्जत सिर्फ फजाइल मौला अली को अता किया है, कि जो मर्तबा, जो चाशनी, जो लज्जत, जो मर्तबा नज़्म को हासिल है, वही मर्तबा, वही लज्जत, वही चाशनी भाई नसर को भी हासिल है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आके फर्शे अज़ा पे देखो कि अल्लाह का हबीब जब तक नज़्म की सूरत में था वो एक मोहम्मद था, जब नसर की सूरत में बिखर के सामने आया तो 12 मोहम्मद बने। यहाँ पहला भी मोहम्मद है, यहाँ आखिरी भी मोहम्मद है। तो आपने ये मकाम देखा, जो मकाम, जो मर्तबा हमारे यहाँ पर नज़्म को हासिल है, वही मकाम, वही मर्तबा, वही अजमत हमारे यहाँ पर नज़्म को हासिल है, और ये फकत और फकत फजाइल मौला अली है। जब तक अल्लाह का रसूल नज़्म की सूरत में रहा वह एक मोहम्मद रहा, जब नज़्म की सूरत में बिखर के आया तो 12 मोहम्मद बने। अच्छा, ये जो सिलसिला था, कभी इसको भी आप सुने ताकि जश्न समझ में आए, महफिलें समझ में आए, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत समझ में आए। ये था क्या, ये किस मंजिलत से आप गुजर रहे थे? का इसका नाम था सलाम, ये है कसीदा, ये है मुसद्दस। भाई कहाँ है अहले, सुनेंगे थोड़ी देर, तवज्जो फरमाएंगे आप। भाई किस मंजिलत से गुजर रहे थे आप? देखिए कलाम शायर बज़बान शायर। भाई मेरे साथ रहिएगा, बहुत अजीब जुमला। यानी अभी तक ये मकाम क्या है, ये कसीदा, ये सना, ये मनकबत, ये सलाम, ये मुसद्दस। तो हमने कहा कि ये बताइए कि तारीख कसीदा क्या है। भाई कसीदा कहते किसे हैं? तो आलम इस्लाम के जिन्होंने मजहब को दरवाजों से नहीं लिया, दरबारों से लिया है। अरे कहाँ हैं आप? जिन्होंने शरीयत को दरवाजे से न लेके दरबारों से लिया, जब उन्होंने हमारे जश्न में आके सलाम सुने, जब मनकबत सुनी, जब कसीदा सुना, जब मुसद्दस सुना, जब मधा सुनी, अरे कहाँ हैं आप? जब मौला के फजाइल सुने तो एक मर्तबा उनकी सूरतें उतर गईं। ऐसे नहीं सुनिए,
मैं तारीख के जश्न पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। फजाइल तो आप सवा दो महीने सुनेंगे, मगर तारीख के कसीदा सुनिए आप, महफिलों की तारीख सुनिए आप, मजलिसों की तारीख तो सबने सुनी है, जरा महफिलों की तारीख भी सुनिए। उनकी सूरतें ऐसे उतरी कि जब रसूल हसन और हुसैन के फजाइल पढ़ते थे तो वहां कुरान की सूरतें उतरती थी, यहां सहाबा की सूरतें उतरती थी। भाई कहां है आप? भाई अहले अदब बैठे ना उस सूरत से, भाई इस सूरत को देखिए। भाई जब मजा होती थी मौला अली की, जब फजाइल होते थे मौला अली के, जब सना होती थी सैयदा की, जब एहतराम होता था हसन और हुसैन का, तो जब फजाइल पढ़ते थे वहां कुरान की सूरतें उतरती थी, यहां सहाबा कराम की सूरतें उतरती थी। अरे कहां आया? तो जब वो यहां पे आए और उनकी सूरतें उतरी तो हमने कहा ये क्या हुआ? कहे तो कसीदा है, ये तो मनकबत है, ये तो सलाम है, ये तो मुसद्दस है। हमने कहा तारीख पता है आपको? भाई मजलिसी तबका जो बैठा है वो सुने तारीख, सुने जश्न की। कहने लगे भाई कसीदा कुछ नहीं है, कसीदा कुछ नहीं, ये तो दरबारों से आया है, ये मदखानी कुछ नहीं है, ये तो दरबारों से आई है। हमने कहा ये आपने कैसे कहा? का जाके तारीख उठा के पढ़िए, अवध को पढ़े, तारीख आगरा पढ़िए, तारीख का हैदराबाद पढ़िए, कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर, अवधनामा, मुगलिया एम्पायर, तारीख को उठा के पढ़िए। बादशाह तख्त पे बैठता था, बादशाह तख्त पे बैठता था, दरबारी शोरा आते थे, वो उसकी तारीफ करते थे, उसकी शान में अशआर पढ़ते थे, वो खुश होता था, वो सुनाते थे, वो नवाजता था। कहने लगे बस तारीख के मनकबत, बस तारीख के कसीदा यही है, ये दरबारों से निकला है, ये जो शोरा आए हैं दरबारों से आए हैं, ये सब दरबारी शोरा हैं, ये पढ़ते थे बादशाह सुनता था, ये सुनाते थे वो नवाजता था। हमने कहा फिर इसी तारीफ पे ठहरिए, अगर ये जश्न, ये महफिले, ये कसीदे, ये सना खानी, ये मुसद्दस, ये सलाम अगर दरबारों से आए हैं, तो हमने कहा यहीं पे ठहरे, मुझे एक कोई कसीदा सुनाओ जो अकबर की शान में लिखा गया हो, सुनाओ मुझे। तो वो पढ़ने लगे, हमने कहा नहीं ऐसे नहीं सुनाइए, दो चार हमें भी याद है, मगर वो कसीदा नहीं सुनाओ जो अकबर के सामने पढ़ा गया, वो सुनाओ जो उसके मरने के 400 बरस के बाद लिखा गया हो। मेरा मिजाज आप जानते हैं, मैं इदारे चाफरिया में बैठा हूं, मैं महफिल को भी इल्म के आईने में पढ़ के सुनाऊंगा, मैं फजाइल को अदब के आईने में पढ़ के सुनाऊंगा। हमने कहा ठीक है, कसीदा दरबारों से आया है, ये शौरा दरबारों से आए हैं, तो अकल के अंधो कोई शेर सुनाओ, कोई मनकबत सुनाओ, कोई कसीदा सुनाओ अकबर की शान में, जहांगीर की शान में, औरंगजेब की शान में। अरे कहां पे हैं आप? अब जब पढ़ के सुनाए, हमने कहा दो चार दस हमें भी याद हैं, मगर वो ना सुनाइए जो आगरे में लिखे गए, वो ना सुनाइए जो दखन में लिखे गए, वो ना सुनाइए जो लखनऊ में लिखे गए, वो पढ़ के सुनाओ जो उसके मरने के 400 बरस के बाद लिखा गया हो, 300 बरस के बाद लिखा गया हो, 200 बरस के बाद लिखा गया हो। तो सर झटक के कहने लगे अभी तो तारीफ पढ़ के सुनाई है, क्या कसीदा उसे कहते हैं जो दरबारों से आया है? शौरा तो दरबारी होते हैं, जब दरबार चला गया बादशाह चला गया। अरे कहां आया भाई? ऐसे नहीं सुनिए भाई, जब दरबार चला गया बादशाह चला गया, जब बादशाह चला गया तख्त चला गया, जब तख्त चला गया ताज चला गया, जब ताज चला गया मसनत चली गई, जब मसनत चली गई तो शौरा चले गए, जब शोरा चले गए तो सना चली गई, कसीदे चले गए, अशार लिखे गए। हमने कहा यही तो सवाल है कि अगर दरबार चला गया, बादशाह चला गया, कसीदे खत्म हो गए, तो ये आज जो 1400 बरस के बाद कसीदा लिखा जा रहा है, ये जो आज भी मजमा बैठा हुआ है, ये जो आज भी मसनद लगी हुई है, ये जो आज भी महफिलें सजी हुई है,
1400 बरस के बाद कसीदा लिखा जा रहा है, ये सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मदा भी हो रही है, मुसद्दस लिखा जा रहा है, सलाम लिखा जा रहा है, क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि कोई बादशाह आज भी तख्त पर बैठा हुआ है? अरे कहां पे है आप? क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि कोई बादशाह आज भी तख्त बैठा हुआ है? वो सुन रहा है, ये सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं, वो नवाज रहा है। आप समझ में आया? महफिलों में आके बैठा करो, ये इमाम हुज्जत की जिंदगी की सबसे बड़ी दलील। हैदर फुप्पा सुनिए, कसीदों को सुना करें, मनकबत को सुना करें, शोरा का एहतराम क्या करें, पढ़ने वालों का एहतराम क्या करें, सामईन का एहतराम क्या करें। ये दलील है कोई बादशाह तख्त पे बैठा हुआ है और जिंदा है। और जुमला सुनोगे, खाली तख्त पे बैठा हुआ नहीं है, बादशाहत लेके बैठा हुआ है, शहनशाहियत लेके बैठा हुआ है, हुकूमत लेके बैठा हुआ है। हम सुना रहे हैं, वो नवाज रहे हैं। याली 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 याली। भाई जश्न है ना, मजलिसों की तारीख तो पढ़ के सुनाई जाती है, कभी कभी जरा कसीदों की तारीख भी सुन लें, मनकबत की तारीख भी सुन लें, कभी कभी ये जो मसनत बिछी हुई इसकी तारीख भी सुन लें, कभी कभी शोरा की तारीख भी सुन लें, कभी कभी मनकबत और कसीदों की तारीख भी सुन लें। हम तो आपको ब्यास की तारीख भी सुना सकते हैं, बस्ते की तारीख भी सुना सकते हैं, फर्श की तारीख भी सुना सकते हैं, फराद की भी सुना सकते हैं, मसनत की भी सुना सकते हैं। आप अपना शजरा तो पढ़ के सुनाओ। आप कहां से आए? तो ये महफिलों में आया करें, इमाम में हुज्जत की जिंदगी की सबसे बड़ी दलील कसीदा है। कहां है आप? इमाम में हुज्जत की जिंदगी की और हुकूमत और बादशाहत और इमामत की और इख्तदार की सबसे बड़ी दलील कसीदा है। ये आपने खुद कहा है कि जब दरबार सजता है तब शोरा आके सुनाते हैं। तो इसका मतलब कोई बैठा हुआ है, और खाली बैठा हुआ नहीं है, इख्तदार के साथ बैठा हुआ है, और वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। एक सलावात पढ़ देना मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए आप, आज तारीख सुनिए आप। देखिए ये जो कसीदा है, ये जो मदा होती है, इसकी एक तारीख है, इसकी एक तारीख है, उसका नाम है मोहब्बत। ये जो आपके यहां पर रोशनी है, ये एयर कंडीशन चल रहा है, ये पंखे चल रहे हैं, ये लाउड स्पीकर लुत्फे भाई चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं वहां से बैठकर। हमारे आने से दो दिन पहले वो परेशान हो जाते हैं कि आ रहे हैं, अब स्टैंड वाला लाउड स्पीकर लगाना है। तो सुनिए, इसके पीछे जो ताकत कार फरमाए उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। अगर एक मिनट के लिए फेल हो जाए, सारी दुनिया में अंधेरा हो जाए, भाई याद रखिए जो कायनात का चरखा घूम रहा है, ये जो रिस्क के फरिश्ते आ रहे हैं, ये जो जिंदगी के फरिश्ते आ रहे हैं, ये जो कायनात का निजाम चल रहा है, इसके पीछे जो ताकत कार फरमा है उसका नाम मोहब्बत है। और अगर यकीन ना हो तो परसे शबे जुमा में आके सुना होगा कि अगर आप ना होते, ना जमीन बिछाता, ना आसमान बिछाता, ना सूरज बनाता, सब कुछ आपकी मोहब्बत ने बनाया। तारीख सुनिए डॉक्टर साहब, तारीख सुनिए। ये जो कसीदा लिखा जा रहा है, ये जो शोरा आ रहा है, ये जो आप सुन रहे हैं, ये जो आप हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, इसकी तह में जो ताकत कार फरमाए उसका नाम है फकत मोहब्बत। और सुनिए, मोहब्बत एक कीमिया का नाम है, मोहब्बत एक एटम का नाम है, मोहब्बत एक कुव्वत का नाम है। हम आपको क्या बता, मोहब्बत बकील को सकी बनाती है, मोहब्बत बुजदिल को शुजा बनाती है। अच्छा देखिए, अहले अदब बैठे, मिसाल दे दें शबाद भाई, कि अभी आपने देखा होगा कि मुर्गी है या कोई बिल्ली है, सामने से ट्रक आ जाए तो उसे देख के दौड़ेगी, लेकिन अगर कोई दूसरा जानवर आके उसके बच्चों पे हमला कर दे
तो हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। आप समझ में आया, जब मोहब्बत दिल में आती है ना तो जो बुजदिल होते हैं वो भी शुजा बन जाते हैं। और सुनिए, मोहब्बत जो होती है कंजूस को वकील बनाती है, मगर इतना सुनो, मोहब्बत का असर अपना अपना होता है। जैसे लाइट एक ही है, कभी कभी आपने नॉर्थ अमेरिका में देखा होगा जब सर्दी होती है तो गर्म हवा निकलती है, अभी जब गर्मी हो रही तो ठंडी हवा निकलती है। हम परेशान हो गए, हमने कहा तार एक, वायर एक, अरे कहाँ है आप, लगाने वाला इलेक्ट्रिशियन एक, मगर असर दो क्यों? का जैसा सर्फ वैसा असर। फजाइले मौला अली एक ही है, मोमिन सुनता है तो दिल ठंडे होते, मुनाफिक सुनता है तो चेहरों से धुआं उठता है। तारीख सुने आप। अच्छा और सुने, और फिर आम बंदों की मोहब्बत नहीं है, आले मोहम्मद की मोहब्बत है। और हम आपको बता दें, मोहब्बत है हकीकी में और दुनियावी मोहब्बत में बहुत बड़ा फर्क है। जो नौजवान बैठे हैं वो सुने, जब होती है मजाजी मोहब्बत, दुनियावी मोहब्बत, तो इंसान दुआ करता है या अल्लाह जिसे मैं चाहता हूँ वो किसी और को ना चाहे। अरे कहाँ पे है आप? जब दुनिया का इश्क आता है, या अल्लाह जो मुझे चाहता है उसे कोई और ना चाहे, मगर जब इश्क मौला अली आता है, या अल्लाह जिसे मैं चाहता हूँ सारी दुनिया। दुनिया की मोहब्बत और है भाई, महफिल में तो थोड़ा अदब ही की बातें पढ़नी है भाई। जब दुनिया की मोहब्बत आती है, इंसान वकील बनता है, या अल्लाह जिसे मैं चाहता हूँ उसे कोई और ना चाहे, जिसे मैं देखता हूँ उसे कोई और ना देखे, मगर जब अली की मोहब्बत आती है, या अल्लाह जो मेरा मौला है उसे सारी कायनात का मौला बना दे, जिसे मैं चाहता हूँ सारी कायनात उसे चाहे। और सुनेंगे आप, दुनिया की मोहब्बत और है, आले मोहम्मद की मोहब्बत और है। अगर यकीन ना हो, दोनों मोहब्बत की बुनियाद पे दो घर बने। अरे कहाँ है आप? दुनिया की मोहब्बत और है, आले मोहम्मद की मोहब्बत और है, दोनों मोहब्बत की बुनियाद पे दो घर बने। एक मोहब्बत की बुनियाद पे जो घर बना उसका नाम ताजमहल है, दूसरी मोहब्बत की बुनियाद पर जो घर बना उसका नाम नजफ है। अरे नहीं पहुंच रहे यार। उसका नाम नजफ है। जुमला सुनोगे, खींचते दोनों हैं अपनी तरफ, ताजमहल भी खींचता है, नजफ में अली का रोजा भी खींचता है, मगर फर्क है, ताजमहल खींचता है सर नहीं झुकवाता, नजफ खींचता भी है ताजीम भी करवाता। नजफ खींचता भी है, मेरी तरफ देखिए, नजफ खींचता भी है, नजफ खींचता भी है, नजफ सर भी झुकवाता है, नजफ ताजीम भी करवाता है। मालूम है यहां बंदों की मोहब्बत नहीं है, यह अल्लाह के खास बंदों की मोहब्बत है। और सुने, ये जाके देखें, अजीब जुमला, इस हदीस को जिंदगी भर आपने सुना, आज ये तोहफा है कसम खुदा की, और मजलिसों से ले जाए। अक्सर आप शिकवा करते हैं ना कि मदरसों से पढ़ के आए मगर अली को पढ़ के नहीं सुनाते, आप इमोशनल हो जाते हैं ना, जज्बाती हो जाते हैं ना, तो आप जज्बाती ना हुआ करें, अली मदरसों से नहीं मिलते, अली मदर से मिलते हैं। इमोशनल हो जाते हैं आप, जज्बाती हो जाते हैं आप, लड़ने लगते हैं आप, आस्तीनें चढ़ाते हैं, वो फजाइल नहीं पढ़ते, वो विलायत नहीं पढ़ते, वो इमामत नहीं पढ़ते, मदरसे से पढ़ गए। हमारी किसने कहा मदरसे से मिलते हैं? अली मदरसे से नहीं मिलते, अली मदर से मिलते हैं। यहाँ बहुत से डॉक्टर्स बैठे होंगे, कुछ अफराद है कहने लगे कि आज गदीर है फिर जश्न विलायत फिर फजाइल, हमने क्या करें? कहा फजाइल पढ़ना छोड़ दें। मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका में हॉस्पिटल बनाना छोड़ दें भाई। डॉक्टर हजरात बुरा ना माने,
भाई अस्पताल बनाना छोड़ दे। कहने लगे अगर हमने अस्पताल बनाना छोड़ दिया तो मरीज कहाँ आएंगे। ए भैया अगर हमने फजाइल पढ़ना छोड़ दिया ये गुनाहगार कहाँ जाए। अपने लिए पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं भाई। कहा अस्पताल नहीं बनेंगे तो मरीज कहां जाएगा। अरे अली के फजाइल नहीं सुनेंगे तो ये गुनाहगार कहां जाएंगे भाई। आपको इलाज के लिए अस्पताल की जरूरत है, हम गुनाहगारों को शफात के लिए अली के फजाइल की जरूरत है। कहां आया। अच्छा सुनिए एक जुमला और ले जाए जो अहले अदब बैठे जिन्होंने देखिए भाई जश्न गजलियात को पढ़ा होगा, अदबियात को पढ़ा होगा, तो सुनिए पूरी दुनिया में चाहे अरबिस्तान के अशार उठा के ले आए आप, दीवाने अरब मुतनबी मंसूरात उठा के ले आए आप, चाहे मीर तकी मीर को उठाएं आप, चाहे गालिब को उठाएं आप, हर जगह पर मोहब्बत की तासीर क्या है। शायरी में, अदबियात में, लिटरेचर में, पोएट्री में मोहब्बत की तासीर क्या है। तड़प, तपिश, आग, बर्निंग, हीट, गर्मी, यही है ना। रात भर जाग रहे हैं, नींद नहीं आती। अब इन्हें कौन बताए ये दुनिया की शबे हिजर है कि नींद नहीं आती, वो वहां की शबे हिजरत है। कहां है आप, ऐसा सोए जैसे कभी ना सोए। अच्छा सुनिए आप, दुनिया के अदबियात में गजलियात में मोहब्बत की ताबीर सिर्फ आग, सिर्फ हीट, सिर्फ गर्मी, एक पहलू जल रहा है, करवट बदल रहे दूसरा पहलू जल रहा है। अरे कहां पे आप, लेकिन जुमला सुनेंगे आप। आले मोहम्मद ने जब अपनी मोहब्बत की ताबीर को पेश किया तो उसकी तासीर में भी गर्मी नहीं रखी, तासीर में भी गर्मी नहीं रखी, बल्कि जुमला क्या है कि जब तुम अली की मोहब्बत की ठंडक, जब तुम हमारी मोहब्बत की ठंडक अपने दिल में महसूस करो तो अपनी मां के हक में दुआ किया करो कि उन्होंने तुम्हारे साथ अमानतदारी से काम लिया है, खयानतदारी से काम नहीं लिया। यानी दुनिया की मोहब्बत में, अली की मोहब्बत में एक फर्क है। दुनिया की मोहब्बत किसे कहते हैं, जा आशिक का दिल तो जलता है मगर महबूब का दिल ठंडा होता है। भाई दुनिया की मोहब्बत क्या है फुप्पा आप बताएं, जहां पे आशिक का दिल तो जलता है माशूक का दिल ठंडा होता है, मगर छठे इमाम ने कहा अली की मोहब्बत यह है कि जहां आशिकों के दिल ठंडे होते हैं रकीब के चेहरों से धुएं उठते हैं। भाई कहां है आप, एक बार अंदर सलावत पढ़ लेना बिल्कुल मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। ये हदीस का सही तर्जुमा है, आशिकों के दिल ठंडे होते हैं रकीब के चेहरों से धुएं उठते हैं। हमने अपनी मोहब्बत की तासीर में भी गर्मी और आग को नहीं रखा, जब हमारी मोहब्बत की ठंडक को महसूस करो अपनी माँ के हक में दुआ करना। अच्छा यहाँ पे आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बहुत कम, बहुत इख्तसार के साथ जश्न पढ़ूंगा, आपकी थकन का अंदाजा है, मगर आप सुनिए इसके बाद तो फिर आप फजाइल और मसाइब को मजलिसों में सुनेंगे और यादगार हिस्टोरिकल सब्जेक्ट लेके अपने वीकेंड पे पहुंचेंगे। बस मेरे हक में दुआ कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, नॉर्थ अमेरिका की मेडिकल साइंस अपने क्लाइमैक्स में आसमानों को छू रहा है, यहाँ का मेडिकल, आपने यहाँ पे कोई ऐसा अस्पताल देखा कि जहां पे आप 90 बरस के ज़ईफ आदमी को जाके एडमिट कराएं और 3 दिन और 4 दिन के बाद जब उनकी मां से छुट्टी हुई तो बिल्कुल 18 बरस के थे। तो डॉक्टर्स यही कहेंगे कि हम करिश्मा साजी तो बड़ी बड़ी करिश्मे दिखाते हैं, लेकिन हमारे मोहब्बत के बीमारिस्तान और हॉस्पिटल में आज तक ये मौजजा नहीं हुआ कि 80 साल और 90 बरस का बूढ़ा और पेशेंट जाए और वो जब निकले तो सिगरेट दबाए हुए, पान खाते हुए, बैट बॉल अपने हाथ में लिए हुए, सूटेड फूटेड। भाई कहां आया, क्या जवान हो के निकले। कहा हमारे यहां पर अमेरिका के अस्पताल में ये वाले मिरेकल्स नहीं होते। हमने कहा तुम्हारे अस्पतालों में मौजजे नहीं होते, मगर कुरान ये कहता है कि मोहब्बत के अस्पतालों में मौजजे हुए हैं। कहां पे हैं आप, देखिए जुलेखा बूढ़ी है,
नहीं ऐसे नहीं, सुनिए, अब मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं आपके समझने का नहीं। एक होती है बुढ़िया, एक होती है गुनागार बुढ़िया। हमें इंटरनेट से महिला जा रही है, अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं भाई। जिस बुढ़िया को आप समझ रहे हैं मैं जिम्मेदार नहीं, मैंने तो पहले नाम ले दिया। ये खाली बुढ़िया नहीं थी, गुनागार भी थी। ये कुरान कहता है एक मासूम नबी पर तोहमत लगाने की कोशिश की, मगर कुरान क्या कहता है, चूंकि इसके दिल में कुछ अच्छों की मोहब्बत थी। अरे कहाँ है आप? इसके दिल में कुछ अच्छों की मोहब्बत थी तो हमने खाली जवानी नहीं पलटाई, गुनाह भी माफ कर दिए। मालूम हुआ अगर यूसुफ की मोहब्बत दिल में हो तो दो फायदे मिलते हैं, एक जवानी मिलती है, एक गुनाह माफ करते हैं। तो अगर दिल में फकरे यूसुफ की मोहब्बत हो और इमाम ये कहें कि हम अपने चाहने वालों के बुढ़ापे को जवानी से बदल के गुनाहों को माफ करा के दाखिले जन्नत करेंगे, तो अगर यहां मोहब्बत के बीमारिस्तान में हो सकता है तो वहां भी मोहब्बत के हॉस्पिटल में ये मौजा हो सकता है। ये मोहब्बत की तासीर है, मोहब्बत कीमिया है, अच्छों की मोहब्बत है। और सुनेंगे हम, आपने कभी बलंतर सलावात पढ़ ले मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत तेजी के साथ, बस अगले जुमले सुन ले आप। अच्छा, आपने कुछ सुना कि कोई बिल्कुल नाबीना हो गया हो, आंखें चली गई हो और दुनिया की मेडिकल साइंस मजबूर हो जाए कि चाहे जितनी सर्जरी करा ले इसकी बिना ही नहीं आ सकती, और वहां पे आपने आज तक सुना कि अमेरिका में या कनाडा में एक डॉक्टर है और वो ये कहते हैं जो पैदाइशी भी अंधा हो या दुनिया में कोई डिजीज हो जाए उसे ले आओ, मैं खाली अपना कुर्ता लगाऊंगा उसकी आंखों से। कहां पे हैं आप? उसकी बिनाई वापस आ जाएगी। कहा भाई हमने आज तक यहाँ के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर साहब ये मौजा नहीं देखा जहां दवा से शफा ना मिले, कुर्ते से शफा मिल जाए। हमने कहा मगर हमने मोहब्बत के हॉस्पिटल में मौजा देखा है कि याकूब की आंखें रोते रोते सफेद हो गई थी। अरे कहां पे हैं आप? मगर जैसे ही यूसुफ का कुर्ता आया, खुशबू को महसूस किया, भाई याकूब को रोशनी मिल गई। तो अगर याकूब का कुर्ता ना बीना को बीनाई दे सकता है, तो अगर अली असगर का कुर्ता बे औलाद को औलाद। ये कुर्ते मौजे दिखाते हैं, ये मोहब्बत की तारीख पढ़ के हम आपको सुना रहे हैं। कुर्ते मौजे दिखाते हैं, कमीजे मौजे दिखाते हैं, पत्थर मौजे दिखाते हैं, ये वाले मौजे आपके समझ में आते हैं? अरे कहाँ है वो वाले मौजे आपकी समझ में नहीं आते? तो ये है आले मोहम्मद की मोहब्बत। अजीब जुमला छठे इमाम का, अगर सारी रात बार बार रिपीट करते रहो, अगर हमारी मोहब्बत की ठंडक ताबीर में भी तासीर में भी तपिश नहीं है, आग नहीं है, जलना नहीं है, यहां शबे हिजर में जागते हो, मोहल्ला के इश्क में रात भर बंदा सोता है। जिसको मैं चाहता हूं उसे कोई न चाहे, जब अली की मोहब्बत आती जिसे मैं चाहता हूं या अल्लाह सब इसको चाहे। बुजदिल को शुजा बनाती है, बकील को सकी बनाती है, नाबीना को आंखें देती है, बेलात को औलाद देती है, बूढ़ों को जवान करती है, गुनागार की शफात कराती है। ये सब मोहब्बत के मौजात है। अच्छा, ये इतनी देर मैंने आपको तारीख पढ़ के सुनाई, इजाजत है ताकि मैं अपने मिजाज से अलग हट के जरा गुफ्तगू ना करूं। यह है जश्न विलायत, जश्न ईद गदीर। भाई बिल्कुल वक्त पे उतरूंगा जो वक्त दिया गया है, बस 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट में आपकी जहमत तमाम। देखिए, जब आए मजमा बुलाया, भाई गदीर है ना, आज तो सुनना ही है। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं साहब पिछले साल सुनी थी, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई सुनिए, अभी तक तो आपने मकासदे की, जश्न की, महफिल की, इस मसनत की, शोरा की, सामईन की, वाहवा करने वालों की मैंने तारीख आज आपको पढ़ के सुनाई। कहा मगर ये जो आप गदीर पढ़ रहे हैं ये तो पिछले साल भी जश्न हुआ था, गदीर तब भी यही पढ़ी गई थी। हमने कहा ला के दिखा कहां लिखा हुआ है कि फजाइल अली की एक्सपायरी डेट ये है, ला के दिखा।
हमारे यहां पर भी कुछ है स्टेटस ज्यादा, क्या सबको समझ में आता है? अली के फजाइल समझ में नहीं आते? कहा फिर फजाइल पढ़ दिए। भाई क्यों ना पढ़े? कहा पिछले साल सुने थे। ला के दिखाओ किस किताब में लिखा हुआ है कि फजाइल मौला अली की एक्सपायरी डेट है। आपने फजाइल मौला अली को अपने मुल्क की फार्मेसी समझ लिया है। देखिए सरकार, मैं बच्चों में, नौजवानों में, यूथ में बैठता हूं, शायराए हयात पे जाके बैठता हूं और उनकी जबान में बात करता हूं। आप यहां की जितनी बड़ी ब्रांडेड फार्मेसी में चले जाएं, हमारे यहां फार्माप्रिक्स है, यहां पे शॉपर ड्रग्स मार रोगन, आप वहां पे चले जाएं, जितनी बड़ी और ब्रांडेड मेडिसिन को आप उठा लें, आपने उठाया लेके खड़े हैं, चश्मा उठा उठा के देख रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? ये ब्रांडेड जगह है, बेहतरीन मेडिसिन है, असली है, बिल्कुल कंपनी बड़ी फेमिलियर है। कहने लगे सरकार सब कुछ अपनी जगह, एक्सपायरी डेट देख रहा हूं। भाई सज्जाद साहब ले जाइए तोहफा यहां से। कहा इसकी एक्सपायरी डेट देख रहा हूं। हमने कहा ये तो दवा है, ये तो मेडिसिन है, क्या एक्सपायर होती है? कहा एक्सपायर होती है। आपने कभी राज पहचाना ये एक्सपायर क्यों होती है? कहा इसका राज ये है कि इसका बनाने वाला भी एक्सपायर होता है। इसका बनाने वाला भी एक्सपायर होता है, यानी दुनिया की कोई भी दवा हो सब पे एक्सपायरी डेट होती है। कायनात में दो दवाएं हैं, और दुआओं की किताब उठा के देखो, एक दवा है, दुआओं की किताब में उसका नाम दवाई अकबर है, उसे कहते हैं खाके शिफा। राई के दाने के बराबर खाओ वरना रिएक्शन हो जाएगा, ज्यादा ओवरडोज ना हो, जितना बताया इतना खाओ। एक अली के फजाइल, ये दोनों कभी एक्सपायर नहीं हो सकते, इसलिए कि हुसैन भी जिंदा है, अली भी जिंदा है। कहां है अब दवाई अकबर खाके शफा, मौला के फजाइल? कोई एक्सपायरी डेट है? नहीं हो सकती। क्यों? ना हुसैन एक्सपायर है, ना अली एक्सपायर है। आप समझ में आया? खाके शफा पे सजदा किया करो, हुसैन की जिंदगी की दलील। अली के फजाइल बैठ के सुना करो, नजफ में अली के इख्तदार और हयात की दलील। कसीदा सुना करो और पढ़ा करो, इमाम जमाना की हुकूमत की दलील। अरे कहां पे है? बहुत तेजी के साथ। तो कहा कि हम आप फिर पढ़ के सुना रहे हैं फजाइल। हमने कहा चुके एक्सपायरी डेट हमें अभी तक किताबों में रिवायत में कोई रिवायत नहीं है कि गदीर की यह एक्सपायरी डेट ना मिले तो अरे कह रहे अब से चंदा मांग के ले आओ। कोई रिवायत आपके पास नहीं है, किसी भी किताब से डोनेशन मांग के ले आओ। अच्छा मैं क्यों पढ़ के सुना रहा हूं? काजी हमने सुना है कितने बरस से? 70 बरस से। तो जो 70 बरस से आपने सुना, आपको याद हुई, आपने अपने बच्चों को सुनाई? लेकिन ये तो नहीं सुनाई। तो हमने कहा जो काम आप ना कर सके कम से कम हमें करने दे। और यही तो गदीर की सीरत है जिसको आज तक ना समझा आपने। या अली पीछे वालों का इंतजार करो, आप पीछे वाले आपके बच्चे हैं, उनको भी तो पढ़ के सुनाना है कि जी खैबर पढ़ रहे हैं, खंदक पढ़ रहे हैं। हम आज ये जो आप बोल रहे हैं, जो मुंह में जबान है, ये जो क्या 70 साल 80 साल आपने अपने वालदेन से, अपने उलमा से, अपने शोरा से सुना, तो आपको खैबर आती है, तो आपको गदीर आती है। तो जो काम आप ना कर सके अपने बच्चों के लिए वो हमें करने दे। अब बुलाया, बस आखिरी जुमले बहुत तेजी के साथ, 1,25,000 का मजमा बिठाया, कजामों का मिंबर बनाया। भाई सुन ले आप, पलानों का मिंबर बनाया। मिंबर तो पहले भी बनता था, लोग आके यही कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पलानों से पलानों से पलानों से मसला है। हमने कहा हमें भी फलानों से फलानों से फलानों से मसला। इशारों में गुफ्तगू, ये खिताबत का फायदा है। बुलाया और बुला के अली के फजाइल सुनाए। फजाइल सुनाना नबी की सुन्नत, बैठ के खामोशी से फजाइल को बर्दाश्त करना सहाबा की सुन्नत, फरार अख्तियार करना हारिस की सुन्नत। अच्छा आज कुछ नए गोशे क्यों पढ़ के सुनाए? बिल्कुल ले जाइए तेजी के साथ, जाके पूरा कुरान उठा ले आप। आज किसी चीज में रिपीटेशन नहीं है, आज सब नया है।
यानी अल्लाह भी जानता है कि अली के फाजल फजाइल का कोई फाका नहीं है। अल्लाह को अली के मामले में सेकंड हैंड फजाइल पसंद नहीं है। अब आप सुनिए, पूरा कुरान उठा के लाओ। अकमल तो अहले इल्म बैठे, क्या ये लफ्ज अल्लाह ने कभी इस्तेमाल किया कुरान में? लफ्ज नया। अतमम तो लफ्ज नया। रजी तो लफ्ज नया। इससे पहले मिंबर बनता था, आज पलानों का मिंबर बना। मिंबर पहले मिंबर पे अकेले बैठते थे, आज एक सीढ़ी पे रसूल, एक पे मौला अली। बैठने का तरीका नया। अली के फजाइल पहले सुनाए, आज हाथों पे उठाया, ये तरीका नया। अरे कहां पे हो? अच्छा जब सुना दी और तिलमिला रहे थे, कहा तीन दिन बैठो। साहब अभी तीन दिन बैठ गए, आप 30 मिनट में परेशान है। तीन दिन बैठो, ये मामला कभी समझ में आया? ये रसूल अल्लाह ने नफ्सियाती हमला किया है साहब अकराम के ऊपर। देखिए, आपको बड़ा प्राउड है ना अपने जीपीएस के ऊपर। क्या एयरपोर्ट से चले इदारे में आए इतना वक्त लगेगा? अरबों का जीपीएस और ट्रेवलिंग का सिस्टम इतना एक्यूरेट था 1400 बरस पहले, जैसे आज का सिस्टम। मंजिलें बनी होती थी ऐसे, इस जगह से इस जगह ऊंट से जाओ इतना वक्त, घोड़े से जाओ इतना वक्त, बाप पैदा जाओ इतना वक्त। उसी एतबार से मुसाफिर खाने, उसी एतबार से पानी के कुएं, गिजा का एहतमाम, जानवरों के चारे का एहतमाम, यानी एक्यूरेट जीपीएस का उनके पास सिस्टम मौजूद था। इसे कहते थे मंजिले मोयर। अब जब 1,25,000 हाजी मक्के पहुंच गए, हज हो गया तमाम, जो जिस शहर का है उन सबको पता है जो ऊंट से आ रहा है वो इतने बजे पहुंचेगा यहां, जो घोड़े से आ रहा है फला दिन पहुंचेगा, जो पैदल आ रहा है वो फला दिन पहुंचेगा, और जितने इस्तकबाल करने के लिए सब पहुंच गए शहर के बाहर, जहां शहर की दीवारें। आज हमारे बाबा आते होंगे, हमारे चाचा आ रहे होंगे, हमारे शोहर आ रहे होंगे, मामू आ रहे होंगे। क्यों? मंजिले मोयर, ट्रैवलिंग का एक्यूरेट सिस्टम। पहला दिन गुजरा, शाम हो गई, ना हाजी साहब को आना था ना है। कहा कि हो सकता है वेदर खराब हो, आंधी तूफान आ गया हो, वहां तो अक्सर आ जाता था, डिले हो गया हो, कुछ ऊंट बीमार हो गया हो सकता है कल आ जाए। दूसरे दिन फट खड़े, ना हाजी साहब, ना कारवां, ना काफला। अब तो हर घर में सफ़े मातम बिछ गई होगी, भाई हाजी साहब किडनैप हो गए, भाई हाजी साहब गायब हो गए, रास्ता भूल गए, किसी ने उठा लिया, किसी ने पकड़ लिया। भाई जो एक एक फाख्ता के अंडे पे 40-40 साल लड़ते हो, जाके उठा लीजिए। 40-40 बरस जो लड़ाई हुई है एक फाख्ता के अंडे टूटने पे होती थी, कि उसने जो हमारे बाग में जो घोंसला था उसमें फाख्ता बैठी थी, उसने अंडे दे रखे थे, उसके सरदार के बेटे ने अंडा तोड़ दिया उसके ऊंट ने, तो हम 40 साल लड़ेंगे। अब तो परेशान। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, अब 3 दिन के बाद सारे साहबा अपने घरों पर। अब पैगंबर का मिजाज समझ में आया। अब जब 1,25,000 हाजी अपने घरों पे पहुंचे, तो वो आम औरतें तो थी नहीं भाई, खास किस्म की औरतें भी थी, और ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी बातों पे तलवार लेके आ जाए भाई, ऐसी ऐसी। तो वो जब आई और 3 दिन के बाद उन्होंने अपने घर वालों को देखा होगा, तो कहा होगा हाजी साहब मुबारकबाद तो बाद में देंगे, पहले बताओ तुम थे कहां। भाई मुबारकबाद बाद में देंगे, पहले ये बता तू 3 दिन ताखिर से क्यों आया, किसके घर था, कहां पे था, कौन ले गया था, कहां चला गया था। अब समझ में आया अल्लाह ने क्या मिजाज बनाया। कहा हबीब 3 दिन रोक के रखना, ताकि जब 3 दिन के बाद जाए अगर ये छुपाना चाहे तो छुपा ना सके, मिटाना चाहे। बस हो गया, बस तमाम हो गया।
अब ना चाहते हुए भी। जी आप जी, ना चाहते हुए भी बताना पड़ा। कहा कि हम तो आ रहे थे, नबी ने काफला रोक दिया, पलानों का मेंबर बना दिया, अली को अपने हाथों पे उठा दिया, अली को हमारा मौला। तुम छुपाना चाहो तो छुपा ना सको, मिटाना चाहो तो तुम मिटा ना सको। तो ना फजाइल मिटेंगे, ना महफिलें मिटेंगी, ना शोरा मिटेंगे, ना ये दातु तहसीन देने वाले मिटेंगे। मिटाना चाहो तो मिटा नहीं सकोगे और छुपाना चाहो तो छुपा नहीं सकोगे। मैं जो कि मुसलसल सफर में था और चार दिन से मुसलसल डॉक्टर साहब को बताया कि जाग रहा हूँ, लिहाजा बस यहाँ पर आपकी ज़हमत को तमाम और आखिर में बारगाह आले मोहम्मद में दुआ गो कि परवरदिगार आलम तुझे ईद विलायत का वास्ता, जितने हमारे पढ़ने वाले सुनने वाले हौसला अफजाई करने वाले बुजुर्ग नौजवान बच्चे बच्चियाँ हमारी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी जो भी हाजतें हैं परवरदिगार इनकी मन्नतों को पूरा फरमा, इनकी मुश्किलात को हमारी मुश्किलात को हमारे लिए आसान फरमा। बानी जश्न हमारे शबाद भाई परवरदिगार इनको इनके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा, इनका इनकी अहलिया का साया इनके बच्चों के सरों पर और आपका साया आपके बच्चों के सरों पर और हमारे वालदेन का साया हमारे सरों पर और हमारा साया हमारे बच्चों और बच्चियों के सरों पर ईद विलायत के सदक़े से अल्लाह इसी तरीके से कायम दायम फरमा। ख़ास तौर से आज की ये दुआ, हाथ उठा के दुआ करें, या अल्लाह मूसा इब्ने जाफर का वास्ता, बहुत हसास दुआ है, हसास वसीला है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं अल्लाह, जो कैद व मशक्क़त में मुब्तला है उन्हें